हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में एक पद का जो व्यंजक होता है उसको गुणा करना सिखाएंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे, जिससे कमजोर छात्र भी एक पद वाला व्यंजकों को गुणा करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इसका कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं, ठीक। यहाँ मान लीजिए लिखा रहता है 2x, इसका मतलब क्या है कि 2 गुना x, यानी गुना इसके बीच में छुपा हुआ है। 2 गुना x ही 2x हो जाता है, ठीक। मान लीजिए जैसे रहेगा x गुना x, तो ये बेस है, इसका बेस क्या है, समान है, यानी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक। लेकिन इसका घात कुछ भी नहीं है, यानी एक है, इस पर भी एक है। तो जब बेस समान रहता है, यानी एक ही रहता है बेस, तो इसका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बेस क्या है, x है, तो x लिख देंगे, ठीक। अब घात यहाँ भी कुछ भी नहीं था तो एक है, यहाँ भी कुछ भी नहीं था तो एक है, तो एक एक मिल के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी x गुना x x² हो जाता है, ठीक। अब मान लीजिए कहीं पे रहेगा x गुना y, इसका बेस अलग अलग है, यहाँ x है तो वही यहाँ y है, तो ये गुना होकर क्या हो जाता है, xy हो जाता है, ठीक। ये जो बीच का गुना है ये हट जाता है, सीधा xy इसका आंसर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे रहेगा y² गुना y, ठीक। तो इसका तो बेस समान है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी बेस इसका जो आधार है समान है, क्या है आधार, y है, तो y लिखेंगे। जब बेस समान रहता है तो इसका घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इस पर कितना घात है, यानी 2 है, और y पे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, ठीक। तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी y का घात कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा x² गुना y², इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है, इसका बेस समान नहीं है, यानी आधार समान नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ y है, तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे x² है तो x² लिख देंगे, ठीक। अब ये जो बीच का गुना है गायब हो जाएगा और y² हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कहीं पे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा x गुना b गुना y², ठीक। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी सबका बेस अलग अलग है, इसमें सबका आधार अलग अलग है, तो क्या करेंगे कि जो बीच का गुना है सिर्फ यही गायब हो जाएगा। और ये ध्यान में रखेंगे ABCD का जो लेटर है, ये सब सबसे पहले इसमें क्या आता है, बी आता है, तो पहले बी लिखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या आता है, एक्स आता है तो एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई आता है तो वाई लिख देंगे, लेकिन वाई पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग इसी बेसिक रूल्स के आधार पे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन जो लिए हैं ये सब क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। यहाँ क्या है, 4x है, 4x है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 गुना x है, तो लिख दिए, उसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। अब यहाँ 2x है, 2x का मतलब क्या हुआ, 2 गुना x है, ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे, नंबर वाला एक साथ कर लेंगे, नंबर वाला क्या है, 4 है और 2 है, गुना में है, तो यहाँ कर लेंगे 4 गुना 2। अब x वाला एक साथ कर लेंगे, यहाँ x है तो x लिखेंगे, ये वाला x है, गुना में है सब, तो इस तरह लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 दुना 8, तो 8 लिख दिए। अब यहाँ x है गुना x है, यानी बेस इसका क्या है, समान है, यानी आधार समान है, तो क्या होता है, घात इसका जुड़ जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं, यानी पावर एक है, यहाँ भी एक है, तो एक एक जुड़ कर कितना हो जाएगा, पहले आधार जो है वो लिख लेंगे, x है आधार, तो x लिख लिए। अब इसका घात जुट जाएगा, यहाँ यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ एक रहता है, ठीक। तो ये एक एक जुड़ कर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 3x गुना 2y है, तो 3x का मतलब क्या होगा, 3 गुना x, ठीक। 3x का मतलब होगा 3 गुना x, और गुना है तो गुना देंगे। उसके बाद 2y है, 2y का मतलब है 2 गुना y। अब जो नंबर वाला है, नंबर वाला को एक साथ कर लेंगे, ये 3 है और 2 है, 3 और 2 को एक साथ कर लेंगे, 3 गुना 2। उसके बाद x और y को एक साथ करेंगे, तो पहले x आता है तो पहले x लिखेंगे, उसके बाद y है तो y लिखेंगे। अब इसको गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 में जब 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दुना 6 हो जाएगा। अब यहाँ बेस इसका जो आधार है अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो x लिख देंगे और y है तो y लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2x² गुना 3x, इसमें भी क्या करेंगे, 2x² है तो पहले इसको गुना में कर लेंगे, 2 गुना x² गुना है तो गुना देंगे, फिर 3 गुना x है तो
थ्री एक्स है तो तीन गुना एक्स कर लिए, और उसके बाद नंबर वाला को एक साथ करेंगे यानी दो और तीन को एक साथ करेंगे क्या हो जाएगा दो गुना तीन हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद एक्स को लिखेंगे ठीक। अब इसके आगे क्या करेंगे दो में जब तीन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा दो तीन छः हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है यानी इस पे घात दो है और इस पे कुछ भी नहीं यानी एक है ठीक। तो इसका आधार कितना है एक्स है तो एक्स लिख लेंगे और दो और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यानी सिक्स एक्स क्यूब यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है थ्री एक्स स्क्वायर गुने टू वाई स्क्वायर, ये भी पहले गुना में कर लेंगे तीन गुना एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद गुना है फिर टू वाई स्क्वायर है तो क्या करेंगे दो गुना वाई स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि गुना में है। अब आगे क्या करेंगे नंबर वाला एक साथ कर लेंगे तीन और दो को एक साथ करेंगे तीन गुना दो एक साथ हो गया, उसके बाद एक्स और वाई को एक साथ करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर पहले एक्स आता है तो एक्स स्क्वायर लिख लिए उसके बाद वाई स्क्वायर लिखेंगे ठीक। अब आगे क्या करेंगे तीन में जब दो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा तीन दुना छः हो जाएगा। इसके बाद क्या है इसका आधार अलग अलग है यानी बेस इसका अलग अलग है, यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई है तो क्या करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ थ्री वाई है गुना टू वाई है तो थ्री वाई का मतलब क्या है तीन गुना वाई तो लिख दिए, उसके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे, टू वाई का मतलब क्या है दो गुना वाई है। अब इसके बाद क्या करेंगे नंबर वाला को एक साथ करेंगे तीन और दो को एक साथ करेंगे क्या हो जाएगा तीन गुना दो हो जाएगा, उसके बाद वाई और वाई को एक साथ करेंगे यानी वाई गुना वाई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन में जब दो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा तीन गुना छः हो जाएगा, उसके बाद वाई गुना वाई है वाई गुना वाई का मतलब क्या होगा इसका बेस यानी आधार जो है समान है तो इसका पावर जुड़ जाता है तो वाई इसका बेस है तो वाई यहाँ लिख लेंगे पावर इस पर एक है इस पर भी एक है तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप लोग भी आसानी से हल कर सकते हैं, तो अब आगे इस टाइप के क्वेश्चन को हल करके सीखते हैं। यहाँ क्या है थ्री एक्स गुना फोर एक्स गुना टू वाई गुना फाइव वाई, इसको कैसे गुना करेंगे इसको भी पहले अलग अलग कर लेंगे। यहाँ थ्री एक्स है तो थ्री एक्स का मतलब क्या है तीन गुना एक्स तो लिख लिए, उसके बाद गुना है तो गुना लिख देंगे, उसके बाद क्या है फोर एक्स है फोर एक्स का मतलब क्या है चार गुना एक्स है, उसके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे, उसके बाद टू वाई है तो क्या लिखेंगे टू गुना वाई लिखेंगे, उसके बाद फाइव वाई है तो पाँच गुना वाई लिख देंगे ठीक। उसके बाद क्या करेंगे नंबर वाला को एक साथ करेंगे, यहाँ तीन है यहाँ चार है यहाँ दो है यहाँ पाँच है सबको पहले एक साथ लिख लेंगे, तीन है तो तीन लिखेंगे उसके बाद गुना चार है तो चार लिखेंगे, उसके बाद गुना दो है तो दो लिखेंगे, उसके बाद पाँच है तो पाँच लिखेंगे ठीक। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ एक्स और एक्स को एक साथ करेंगे वाई और वाई को एक साथ करेंगे तो एक्स गुना एक्स लिखेंगे, एक्स गुना एक्स हो गया, उसके बाद वाई गुना वाई लिखेंगे ठीक। यहाँ भी वाई है तो वाई गुना वाई लिख देंगे, यहाँ आप सबको गुना कर लेंगे तीन में चार से गुना करेंगे कितना हो जाएगा तीन चौका बारह और बारह में दो से गुना करेंगे तो बारह दूना चौबीस और चौबीस में जब पाँच से गुना करेंगे तो चौबीस पचे एक सौ बीस तो एक सौ बीस यहाँ लिख लेंगे ठीक। अब उसके बाद क्या है यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है इसका आधार क्या है समान है, जब आधार समान है तो क्या करेंगे एक्स लिखेंगे आधार जो है वो लिख लेंगे, उसके बाद इसका घात क्या है एक इस पर भी है एक इस पर भी है जहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ एक रहता है तो एक और एक मिलाकर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा इस पे। अब गुना है तो फिर गुना देंगे, उसके बाद इसका और इसका क्या है आधार समान है यानी बेस समान है तो जो रहेगा पहले वो लिख लेंगे वाई है तो वाई लिख लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर घात कुछ भी नहीं यानी एक है यहाँ भी कुछ भी नहीं तो एक है तो एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस पर दो हो जाएगा। अब इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ बीस है तो एक सौ बीस लिख देंगे। अब ये दोनों का क्या है आधार अलग अलग है, जब आधार अलग अलग है तो जो रहता है वही लिखा जाता है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ठीक यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा उसी तरह पहले इसको गुना कर लेंगे, यहाँ माइनस छः गुना वाई स्क्वायर है तो लिख लेंगे ठीक, उसके गुना है तो पहले गुना लिख देंगे ठीक। अब माइनस टू एक्स है यानी माइनस टू जब एक्स इस तरह है इसका मतलब है कि माइनस टू गुना एक्स है ठीक, इसका मतलब यही हुआ तो यहाँ भी वैसा ही कर लेंगे माइनस दो हो जाएगा गुना में और उसके बाद एक्स है तो एक्स लिख देंगे ठीक, उसके बाद यहाँ गुना है तो गुना देंगे, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर है इसका मतलब क्या है तीन गुना एक्स स्क्वायर, उसके बाद गुना है तो गुना देंगे, यहाँ फोर वाई पे पावर कितना है थ्री है तो फोर इंटू वाई पे पावर कितना है तीन है तो तीन दे देंगे ठीक। अब इसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा नंबर वाला को एक साथ कर लेंगे यानी माइनस छः माइनस दो तीन और चार को एक साथ कर लेंगे तो यहाँ माइनस छः है तो माइनस छः लिख देंगे, उसके बाद गुना
माइनस दो है तो माइनस दो लिखेंगे, ठीक। उसके बाद गुना करेंगे तो ये तीन भी यहाँ लिख देंगे, उसके बाद चार लिखेंगे। तो चार के बाद क्या करेंगे कि पहले एक्स वाला को लिखेंगे, एक्स वाला कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो एक्स वाला को लिखेंगे एक्स गुना एक्स स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद वाई वाला लिखेंगे कहाँ कहाँ है, यहाँ भी वाई वाला है, यहाँ भी वाई वाला है, तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर गुना वाई क्यू। अब इसको क्या करेंगे, नंबर वाला जो है इस सब को गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पहले माइनस है, यहाँ भी माइनस है, जब माइनस में माइनस से गुना होता है तो क्या हो जाता है, यानी जब माइनस गुना माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। हमेशा आप लोग ये ध्यान रखिए कि माइनस में जब माइनस से गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, जब माइनस से माइनस से गुना हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो पहले प्लस नहीं लिखाता है, माइनस रहता तो लिखा जाता है लेकिन प्लस है तो नहीं लिखाएगा, ठीक। तो क्या होगा, आप गुना करेंगे तो छः दुना बारह, बारह में तीन से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, छत्तीस हो जाएगा, और छत्तीस में जब चार से गुना करेंगे तो छत्तीस चौका एक सौ चवालीस हो जाएगा, तो एक सौ चवालीस लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, गुना है तो गुना दे देंगे, यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर है, दोनों का बेस सेम है यानी आधार सेम है, तो इसका पावर जो है जुट जाएगा, तो आधार कितना है x है तो x लिख लेंगे, और इसका पावर जो है जुट जाएगा, यहाँ दो है यहाँ कुछ भी नहीं है यानी एक है, तो दो और एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद गुना देंगे, यहाँ y स्क्वायर है y क्यू है, यानी y पे पावर दो है, यहाँ y पे पावर तीन है, तो इसका बेस क्या है, सेम है यानी आधार समान है, तो आधार जो है वो लिख लेंगे, y है तो y लिख देंगे। अब इसका पावर जुट जाएगा, दो और तीन को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 है तो 144 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ दोनों का आधार अलग अलग है तो जो रहता है वही लिखा जाता है, यहाँ x पर पावर तीन है तो लिख देंगे, ठीक, यहाँ y पर पावर पाँच है तो पाँच लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग भी ऐसा क्वेश्चन को इसी तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है, जो आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।